वेलकम टू माय चैनल कुक बुक बाय सुधा। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ गई है। गणेश जी का जन्म बहुत ही धूमधाम से सभी लोग मनाने के लिए तैयार हैं। ये एक पर्व है जो कि 10 दिन तक चलता है। गणेश जन्म से लेकर ये गणेश जी के विसर्जन तक चलता है। इसके अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और कुछ लोग जो नहीं ला पाते वो भी उनकी पूजा करते हैं। तो इन 10 दिनों में जो लोग पूजा करते रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि गणेश जी को जो कि सबसे अच्छी मिठाई लगती है वो है मोदक, उसका भोग लगाते हैं। जो लोग अपने घर में मूर्ति स्थापना नहीं कर पाते वो भी भगवान को मोदक का भोग लगाते हैं। तो आज वही मोदक की हमारी रेसिपी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पान के मोदक। आइए मैं आपको आज अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये 200 ग्राम्स ये नारियल का पाउडर मैंने लिया है, और साथ में 100 ग्राम्स हमारे पास ये है कंडेंस्ड मिल्क, और कुछ मैंने इसके अंदर लिया है गुलकंद, थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे ये एलमंड है, ये पिस्ता है, और ये मेरे पास है किशमिश, और ये हमारे पास है कैश्यूज। और फ्रेंड्स, इसका जो बेस है आज वो आज हमने लिया है पान। ये 4-5 हमारे पास पान है, इससे हम आज अपने पान के लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अपने पान हैं इनको हम तोड़कर अपनी ये मिक्सी जार में डाल लेते हैं, क्योंकि पान बड़े बड़े हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर 3 ही पान लूँगी। अगर आपको ज़्यादा उसका फ्लेवर चाहिए पान का तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर मैं इसको सिर्फ 3 ही पान ले रहे हूँ। इसको मैं इसके साथ, ये जो हमारे पास कंडेंस मिल्क है इसके साथ हम इसको मिक्सी में ज़रा इसको मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने ये अपने 5 चम्मच डाला है, बाद में मैं देखूंगी अगर कुछ कम लगेगा तो मैं इसको दोबारा डालूंगी। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने इसको क्या किया है, हमने इसको पीस लिया है। अब हम इसको एक तरफ रख लेते हैं और चलकर अपना जो कोकोनट है ये हमारे पास पाउडर है, हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब हमने अपना पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिए, और जो कोकोनट है इसको मैं बिल्कुल बहुत थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। इसके अंदर ना कोई ऑयल ना कोई घी कुछ नहीं डालना है, और इसको बस हमको हल्का सा रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, अब हमारा ये 1.5-2 मिनट हो चुका है और गैस को मैंने कम किया हुआ है पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने ये इसके अंदर पेस्ट बनाया है इसको हम डाल देंगे, और डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा कंडेंस मिल्क और मिला देती हूँ। अगर आपको ऐसे ड्राई लगे तो कंडेंस मिल्क इसमें मिलाना है, पानी या मिल्क कुछ भी नहीं मिलाना। और अब हम इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें कंडेंस मिल्क मिला के इसको तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके मोदक बनाने हम स्टार्ट करते हैं। हमने सांचा ले लिया है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको बंद करके इसके अंदर, चाहे तो आप बंद करके आप बना लीजिए, या अगर आपको इसमें कुछ मिलाना है, जैसे मुझे इसके अंदर थोड़ा गुलकंद भी भरना है तो मैं इसको हाफ हाफ करके इस तरीके से करूँगी। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ भर नहीं रहे हैं, कोई फिलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको प्लेन ही रखिए। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का सा बीच में से प्रेस करके मैं थोड़ी सी गुलकंद जो है ये लेकर इसके अंदर फिल कर दूंगी, साथ ही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो ये है नहीं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा दिया है। चाहे तो आप गुलकंद दोनों साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन एक साइड मैंने ये ड्राई फ्रूट लगाया है और एक साइड लगाया है गुलकंद। और अब इसको मैं बंद करके अच्छे से ऊपर से इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे इस तरीके से।
और भी चाहें तो थोड़ा सा और फिल करके और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए हमने बंद कर दिया, ये अब हम इसको बंद करके इसको खोल लेंगे। ये देखिए हमारा मोदक तैयार है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मोदक बन गया है। पहला मोदक मैं गणेश जी को ही दूंगी, इन्हीं का भोग लगेगा। और अब इसी तरीके से मैं अपने बाकी के सारे मोदक बना लूंगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कई बना लिए हैं। और ये देखिए अभी हमारे इतने मटेरियल में लगभग 7-8 तो बन ही जाएंगे। और ये थोड़ा सा जल्दी ही बना लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो कंडेंस मिल्क मिला हुआ है ना उसके साथ ये नारियल जब मिलता है तो जल्दी ही हार्ड हो जाता है। हम चाहे अगर आप चाहें तो दोनों साइड भी गुलकंद भर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इसलिए मैंने नहीं भरा कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए इसके अंदर। हालांकि हमने चीनी नहीं डाली है, कुछ शुगर नहीं डाला है, लेकिन उसके बाद भी ये मीठा हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि इसमें जो कंडेंस मिल्क हमने डाला हुआ है और जो गुलकंद हम डाल रहे हैं ये काफ़ी मीठा है। इस तरीके से लास्ट में हम इसको करके इक्वल कर देंगे ऊपर से। इसको आराम से इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अब हमारे ये नारियल और पान के जो मोदक हैं ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसके अंदर हमने कोई शुगर वगैरह नहीं डाला है क्योंकि जो इसके अंदर गुलकंद डला हुआ है और कंडेंस मिल्क डला हुआ है उससे ही ये मीठे हो गए। तो आपने देखा कि एक ही मोदक के अंदर हमने सब कुछ, इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी हमने डाल दिया है, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मेवा भी इसके अंदर डली हुई है और जो फूल है वो भी इसके अंदर आ गया क्योंकि गुलकंद डला हुआ है। और इसलिए इस तरीके से ये भगवान जी के लिए जो आज का भोग बना है बहुत ही अच्छा है। आप एक बार हमारे तरीके से अपने घर पर इसको बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, खाइए और सबको खिलाइए, इंजॉय कीजिए। आप हमारी ये रेसिपीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स मैं अगले रेसिपी में आपको बताना चाहूँगी, ये दिखाऊँगी कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, सांचा नहीं है तो आप किस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही मोदक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो देखकर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और फेसबुक पर भी आप हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जब तक हम नई रेसिपी लेकर आते हैं तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।